हाय गाइस, एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त धातु। रक्त धातु वन ऑफ द इम्पोर्टेंट धातु है, ठीक है। इससे 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके बहुत ज़्यादा यूजेज है, ठीक है। रक्त धातु से आप लोग रिलेट कर सकते हो, जो धातु क्षय डिसऑर्डर होती है उसमें, और रक्त विकारज डिसऑर्डर बहुत सारे होंगे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम इस रक्त धातु को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग रक्त धातु। रक्त धातु के लिए पहली बात हो जाती है कि ये सेकेंड धातु है, ठीक है। ये निरिष्ट किसके द्वारा होता है, तो आहार रस या रस धातु से होता है, ठीक है। अब निरुक्ति, कई बार 2 मार्क्स में निरुक्ति पूछे जाते हैं कि रक्त धातु का निरुक्ति बताइए। तो रक्त धातु जो डिराइव होता है संस्कृत वर्ड रंज रंजनी, जो रज को रंजन करता हो, ठीक है, रज को जो रंजन करता हो। तेन रंजना राग वर्ण युक्त, जो कलर को जो होता है राग करता हो, ठीक है। राग कृत च धातु रक्तम, जो धातु को राग कृत करता हो तथा इत्यत्व भवति, मतलब रक्त जो होता है ना, जो रेड कलर जो होता है ना ऑफ दिस टिश्यू, उसको रक्त बोलते हैं, ठीक है। जो कलरिंग प्रोवाइड करता हो, जो हमारे बॉडी के स्किन वगैरह है, वर्म है, उस सबको कलर प्रोवाइड करता हो, रंजन करता, रज को रंजन करता हो, जो रज और आर्तव होती है ना, रज यानी आर्तव, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होती है ना रज, उसको में कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, या जो फ्लूइड आती है वो हो गया, ठीक है। या धातु को राग कलर प्रोवाइड करने का काम करता है वो हो गया। साइनोनिम्स की बात करें, ठीक है, तो साइनोनिम्स ये कई बार 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, रुधिर, सोनित, क्षतज, अश्रिक, अस्र और लोहित, ठीक है। गुजरात में बहुत सारे लोग लोह बोलते हैं, लोई 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 बोलते हैं, तो लोहित से ही लोई है, ठीक है। रुधिर तो साउथ इंडिया में जाओगे तो रुधिर वर्ड यूज करते हैं लोग, ठीक है। अब इसके साइट की बात करें कि इसकी साइट की, तो देखिए आपको याद किसको रहने रखने हैं, तो ये सेकेंड वाले श्लोक रखने हैं। आचार्य चरक का श्लोक भी याद रख सकते हो, आचार्य सुश्रुत का भी, तो कोई एक याद करो, ठीक है। तो पहला क्या है, सोनित वहानाम, सोनित वहानाम मतलब सोनित का जो वहन करता हो, श्रोतांशम, श्रोतांशम सोनित का जो वहन होता है जिस चैनल में, वो उसका रूट कौन होता है, यकृत मूल प्लीहा च, यकृत लीवर और प्लीहा होता है, मतलब लीवर और स्प्लीन जो होता है ना, उसका रूट होता है किसका, रक्तवाह स्रोतस का। अब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखते हैं, रक्त वहे द्वे, रक्त वहे द्वे, द्वे मतलब श्रोतांशी, रक्त वहे द्वे श्रोतांशी, रक्तवाह स्रोतस का जो होता है, तयो मूलम, उसका मूल होता है कौन कौन, यकृत और प्लीहानो, यकृत और प्लीहा होता है, और रक्तवाहिनी वहिने च धमन्य, मतलब रक्तवाहिनी धमनिया होता है ना, वो इसका जो होता है ना, ये रूट होता है, ठीक है, जो रूट ऑफ रक्तवाह स्रोतस का जो रूट होता है कौन, रक्तवाहिनी धमनिया और यकृत और प्लीहा, मतलब लीवर और स्प्लीन, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, देखो अगर अब इसे क्लिनिकल को रिलेट करते हैं, देखिए जैसे किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो देखिए कि उसकी ब्लड की अमाउंट घटने शुरू हो जाती है, जैसे मेगोब्लास्टिक एनीमिया होती है, चाहे और सब कंडीशन में देखोगे जॉन्डिस का पेशेंट्स मिलेगा, अगर लीवर में डिफेक्ट है तो उस पेशेंट का देखोगे कुछ समय बाद क्या होगा, रक्त धातु या ब्लड का अमाउंट बॉडी में घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तब जाके वो पेशेंट फीटल होना शुरू हो जाते हैं, पर्सन का डेथ होने शुरू हो जाते हैं लीवर डिसऑर्डर में, जब ब्लड का अमाउंट घटने शुरू हो जाते हैं तो, ठीक है। हालांकि बहुत सारे सिम्टम और देखने को मिलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रक्त धारा कला जो प्रेजेंट होता है, अब देखिए अभी हम एक और चीज़ समझते हैं, धारा कला को भी यहाँ रिलेट कर लेते हैं। द्वितीय रक्त धारा क्या होता है, द्वितीय रक्त धारा कला होता है, क्या होता है, द्वितीय रक्त धारा कला होता है, मांसस्य अभ्यंतर मतलब इनसाइड जो होता है ना, मांस जो मांस के अभ्यंतर, तस्य सोनित विशेषता च शिरासु यकृत प्लीहा च भवति, मतलब रक्त धारा कला जो होता है ना, कहाँ अभ्यंतर प्रजेंट रहता है, कहाँ पे, तो क्या पे, तो विशेषता सोनित में जो होता है विशेषता कहाँ प्रजेंट रहता है, शिरसु, शिरसु, ठीक है, शिरसु यकृत प्लीहा न, शिरसु लीवर और स्प्लीन और ब्लड वेसल्स में, सीरेसो मतलब ब्लड वेसल में, ठीक है, और कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ रक्त धातु, ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब लीवर और स्प्लीन जो होता है ना, कंसीडर करते हैं रक्त आश्रय, लीवर और स्प्लीन को क्या करते हैं, रक्त आश्रय, जहाँ पे रक्त आश्रय क्यों कहते हैं, रक्त आश्रय मतलब आचार्यों ने यह कहा है कि लीवर और स्प्लीन जो होता है ना, ब्लड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है, या कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द सिस्टम होता है, जो स्टोर हाउस ऑफ रक्त धातु कहता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड घट रहा है तो सबसे पहला आपका दिमाग कहाँ पे एक्ट करना चाहिए, लीवर और स्प्लीन पे, वहाँ कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है, अगर नहीं है तब आगे की आपको सोचना है, ठीक है। हार्ट इज ऑल्सो सीट ऑफ रक्त धातु, ठीक है,
रक्त धातु सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, तो सबको पता है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखो तेजो रसान, ये श्लोक आपको याद रखना होगा, कई बार पूछे जा चुके। तेजो रसान सर्वेशा मनोजाना यदुच्यते पीतो उष्मन सर आगे रसो रक्त मिर्चति, ठीक है, ये श्लोक को याद रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो चरक के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रसाना सर्वेशा मतलब क्या होता है, जो रस धातु होती है ना, जो रस धातु क्या होती है, कलर रस कलरलेस होती है। ये जो रसाना मतलब रस, पहले तो रस धातु क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट रखता है किसके, सातों धातु का। लेकिन उसमें क्या होता है, जो रस अग्नि जो होती है रस धातु में, एक अग्नि एक करती है, ठीक है, जो रक्त अग्नि बोलते हैं वो एक्ट करती है और उसको रक्त को किस में कन्वर्ट कर देता है, रक्त में। तो जब रक्त इंटर करता है कहाँ पे, लीवर और स्प्लीन में, तो वहाँ पे जो पित्त की उष्मा होती है, रंजक पित्त की उष्मा, पीतो उष्मा ना मतलब कि जो रंजक पित्त की जो उष्मा होती है, जो रंजक पित्त होती है ना उसकी उष्मा जो होती है, रंजक पित्त की जो उष्मा होती है वो उसको क्या करता है, रस धातु को कन्वर्ट कर देता है रक्त धातु में और उसको रेड कलर का बना देता है, किसके, रंजक पित्त के एक्शन की वजह से, तो ये रक्त बन जाता है, ठीक है। अब ये दोनों श्लोक है, इसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, वही बातें हैं। इन सुश्रुत संहिता में ये कहा गया रंजक पित्त को क्या बोलते हैं, रंजक अग्नि बोला है आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत अग्नि और पित्त को कुछ जगह पे सेम माना है, ठीक है। अग्नि फाइव टाइप होती है, फाइव टाइप ऑफ पित्त दोषा होता है, ठीक है। रंजक पित्त को रंजक धातु अग्नि सेम उसने कंसिडर किया, आचार्य सुश्रुत ने कंसिडर किया, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्षीर दधि न्याय, देखिए अपोषक कंसेप्ट पे चलते हैं। तो क्षीर दधि न्याय में क्या कहा गया था कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से दूध ट्रांसफर होता है दही में, उसी तरह से यहाँ पे रस धातु कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा रक्त धातु में, ठीक है, क्षीर दधि न्याय के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग केदरा कुल्याण है, दूसरी थ्योरी थी हमारी क्या थी, केदरा कुल्याण है, रक्त धातु जो होता है ना फॉर्म्ड होगा किससे, रक्तवाह स्रोत से, आफ्टर फाइव डेज ऑफ इंजेशन ऑफ फूड, समझ में आ रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे रक्त धातु रस धातु थी, रस धातु को क्या माना गया था केदारा कुल्या न्याय में, रक्त धातु का हार्ट से रस पंप करेगा और पंप करेगा तो ये पित्त के पास पहुंचेगा, थी जो साइट के पास पहुंचेगा, रंजक अग्नि एक्ट करता है उस साइट पे पहुंचेगा लीवर और स्प्लीन में, वहां जाकर के लीवर में पहुंचेगा तो रंजक पित्त एक्ट करके उसको रस को रक्त में कन्वर्ट करेगा। केदारा कुल्या न्याय यही कहता है कि रक्तवाह स्रोत जो पाइप होती है, कनाल होती है, उससे मूव करता है ना केदारा कुल्या न्याय, कुल्या मतलब नाला कनाल से वो मूव करता है, तो उसी कनाल से क्या होता है पांचवें दिन में ये रक्त धातु फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो त्रिधा पोषण न्याय, त्रिधा पोषण न्याय किसने दिया था, आचार्य डलहन ने दिया था, किसने दिया था, आचार्य डलहन ने दिया था, ये टीकाकार थे सुश्रुत संहिता के, ठीक है, उन्होंने दिया था। देखिए न्यूट्रिएंट ऑफ रक्त धातु, रक्त धातु का न्यूट्रिएंट है वो रक्तवाह स्रोत उस पर एक्ट में एक्ट करेगा, कौन सा धातु एक्ट करेगा, तो रक्त धातु धातु अग्नि होती है वो एक्ट करेगा, तो तीन चीज़ का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे हम त्रिधा पोषण न्याय, इसका नाम त्रिधा पोषण न्याय है, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको यही लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ पोष्य रक्त बनाएगा, पोषक रक्त था, न्यूट्रिएंट ऑफ रक्त धातु को पोषक ऑफ रक्त धातु कह सकते हैं आप, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पोष्य रक्त धातु, और ये जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा रक्त धातु का, तो रक्त का बेस्ट प्रोडक्ट क्या था, रक्त का बेस्ट प्रोडक्ट क्या था, आपको पता होगा पित्त था, तो यहाँ पे आप पित्त भी लिख सकते हो, यहाँ बगल में पित्त लिख सकते हो, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, जो रक्त मांस धर्मी अंश भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फॉर्मेशन ऑफ पोषक मांस धातु फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस कितने दिन में होगा, तो फाइव डेज में, आहार रस लेने के फाइव डेज में, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से उठेगा कि कंस्टिट्यूशंस ऑफ रक्त धातु बताइए, रक्त धातु का कंस्टिट्यूशंस क्या है, तो देखिए रक्त तेजो जलात्मकम, ठीक है, रक्त जो है तेज और जलात्मकम है, मतलब क्या, कोई भी इनवर्स का जो भी सब्सटेंस है पांच भौतिक तो होता ही है, लेकिन स्पेसिफिक रक्त धातु में क्या होगा, तो कौन कौन होगा, तो तेज और जलात्मक होगा, ठीक है, ये होगा और जलात्मकम होगा, ठीक है। जैसे कि फाइव क्वालिटी ऑफ रक्त धातु किसके किसके एलिमेंट की वजह से आते हैं, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पंच भौतिक टू आपड़े, मतलब पंच भौतिक होती है वो, अब उसमें क्या होता है, पंच भौतिक कंस्टिट्यूटेड स्प्रीडेड होती है, जीव रक्त कम, जीव रक्त कम आहु आचार्य विस्तृता द्रव्यता राग स्पंदनम लघुता तथा, ये गुण है किसका, रक्त का, रक्त के ये पांच क्वालिटी कौन कौन है, विस्तृतता, तो विस्तृतता मतलब कि जो ये गंध होती है, एक स्पेसिफिक टाइप का गंध होती है विस्तृतता, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की गंध होती है प्लेसी ओडोर होता है, ठीक है, वो किसके वजह से आएगी, गंध गुण किसके महाभूत की वजह से आती है, याद करो पृथ्वी महाभूत की वजह से आती है। द्रव्यता, द्रव्यता मतलब फ्लुइडिटी मूवमेंट किस महाभूत की वजह से आती है, जल महाभूत की वजह से आती है। और राग, राग जो होता है कलर, राग मतलब कलर होता है, राग मतलब कलर होता है, रेड कलर को राग बोलते हैं, पीछे भी हमने समझा था।
रेड कलर होता है अग्नि महाभूत की वजह से होता है। स्पंदनम, स्पंदनम मतलब पल्सेशन, वायु महाभूत की वजह से होता है। लघुता, लघुता मतलब लाइटनेस, आकाश महाभूत की वजह से। इन सब के बाद भी पहला श्लोक में क्या था, तेजो जलात्मकम मतलब तेज और जल महाभूत डोमिनियंस होता है। श्लोक दिखाऊं क्या, चलिए दिखाता हूँ श्लोक, देखिए। रक्त तेजो जलात्मकम क्या, भानुमति का जो टीकाकार थे ना सुश्रुत संहिता पे, उनका कहना था कि डोमिनेट कौन होगा, जल और अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंस होगा। जब किसी पेशेंट का ब्लड आप लेना ना, सिंपल ब्लड कलेक्शन आपके सिलेबस में बीएमएस फर्स्ट ईयर में, तो जब ब्लड कलेक्ट करोगे तो उसमें ब्लड को बाहर निकाल करके उसको फिल करके देखना। जल तो आपको ऐसे ही पता चलता है कि वाटर है, लेकिन जो अग्नि है ना उसको आप निकालना, जब ब्लड को तुरंत निकालना ना उसी टाइम में रख करके फील करना, तो एक बर्निंग सेंसेशन टाइप की हल्की सी जो हीट हॉटनेस फील होगी आपके बॉडी में, हाथ पे, फिंगर्स पे वगैरह पे, ठीक है, हल्का फील करके देखना, ठीक है। वो पर्सन के प्रकृति पे भी वैरी करती है, ठीक है। अब क्वालिटी, जो जो रक्त की क्वालिटी है वो क्वालिटी समझिए, ये पूछे गए कई बार। तपनीय इंद्र गोपम पद्मालक्तम सन्निभम गुंजा फलम स्वर्णम च विशुद्ध विशुद्ध सोनितम, ठीक है। इसके हर लाइन का मतलब है, लेकिन हम इसके एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ। रक्त धातु के कलर की बात करते हैं, कलर को आचार्य ने कंपेयर किया, जो जो कंपेयर किया रेड कलर सब्सटेंस जो नेचर में एग्जिस्ट है ना उससे किया। तो ब्लड जो होता है ना ऊजे जब बॉडी से निकलता है तो उसका कलर कैसा होगा, इंद्र गोपम, इंद्र गोप जो इंसेक्ट है उसके तरह, इंद्र गोपम, ठीक है, इंद्रगोप के इंसेक्ट की तरह जो है मेनली रेनी सीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्लैकिश रेड लाइक लैक, ठीक है, और स्मॉल ब्राइट लाइक फ्रूट गुंजा फल की तरह, ठीक है, और येलोइश ऑरेंज रेड लाइक गोल्ड की तरह, ऑरेंज रेड लाइक गोल्ड की तरह ब्लड के कलर को उपमा दिया आचार्यों ने, ठीक है। रेड कलर ऑफ गुंजा और लैक को कंपेयर किया है रेड कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी से, ऐसा आचार्यों ने कंपेयर किया, ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी से। और रिलेशनशिप बिटवीन कलर और कलर ऑफ स्किन एंड कलर ऑफ ब्लड, ठीक है, इन डार्कर स्किन पर्सन में क्या होता है, कलर जो होता है ना, जो डार्क जो काले लोग होते हैं उनके जो डार्कर स्किन कलर वाले पेशेंट्स का क्या होगा, ब्लड जो होता है लाइक लैक की तरह होगा, जबकि लाइटर स्किन वाले पर्सन का कलर कैसा होगा, डार्क रेड की तरह होगा, ठीक है। अब देखिए जो दोस्त के अकॉर्डिंग भी कलर वेरी करता है स्किन का कलर, ठीक है। बात कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का कलर, स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। पित्त और कफ कॉन्स्टिट्यूशन का कलर कैसा होगा, लाइट और फेयर होगा, ठीक है। अब देखिए रक्त के बारे में आचार्य सारंगधर ने क्या कहा, रक्त सर्व शरीरस्थ, रक्त जो होता है पूरे बॉडी में होता है, ठीक है, शरीर में पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, ठीक है। जीवस्य धारम उत्तमम, जीवन का जो धारण करता है ना हमारा बॉडी उसके लिए उत्तम होता है। इसका गुण कैसा होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है, चल गुण होता है। और स्वादु, स्वादु का मतलब होता है स्वीट मधुर, और विदगद मतलब एक स्पेसिफिक जो विदग्ध होती है, ठीक है, पित्तवद भवेत, ठीक है, ये हो गया इसका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ रक्त धातु का क्या होता है, वार्म धातु होता है, ठीक है, अनु उष्ण, अन उष्ण शीत होता है, अन उष्ण शीत मतलब कि न ये शीत होता है न ही उष्ण होता है, बीच का होता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। हाउ एवर इट इज ऑल्सो बीन सेड दैट रक्त धातु इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ठीक है, इट मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। अब फिर आचार्य सुश्रुत ने फिर एक श्लोक कहा, देखो जो श्लोक मैंने टिक कराया उसी को याद करना है, मैं बुक में सारे श्लोक है तो मुझे बताने तो पड़ेंगे ना। इंद्र गोप प्रतीकांशम असहंतम अविवर्णम प्राकृत अस्थु जनियात, रक्त धातु क्या होता है हेल्दी स्टेट में होगा तो ये इसका फॉलोइंग क्वालिटी होगा, क्या क्या क्वालिटी होगा, तो इंद्र गोप की तरह होगा, क्या होगा, जो कॉन्जिनियल एक इंसेक्ट होती है ना, स्पेसिफिक इंसेक्ट होती है जो रेड, रक्त धातु कैसा रेड इंसेक्ट की तरह होगा, इंद्र गोप की तरह, ठीक है। और असहंतम, असहंतम मतलब क्या होता है, हेल्दी रक्त धातु जो होता है न ठीक होगा ना थीन होगा, ठीक है, न ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा मोटा होगा, और ये जल्दी नेवर कोगुलेट वाइल फॉलोइंग, जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करते रहेगा तो कोगुलेट नहीं होगा, ऐसा आचार्य ने कहा है, मॉडर्न से मत सोचने लग जाओ, ठीक है। और रक्त धातु जब ऊज आउट होता है तब ये क्लॉट होता है, क्यों, क्योंकि जो नॉन कोगुलेशन इंटैक्ट होता है ना ब्लड वेसल्स का उसको क्या बोलते हैं, असहंतम बोलते हैं। जैसे कि एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर्स होता है ना, मॉडर्न से रिलेट करो, अब सोचो मॉडर्न से, एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर्स जो होता है ना, जो आउटसाइडर एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है बाहर आने के बाद, या को मतलब जो फ्रैक्चर्स होता है तो, और अंदर में जो ब्लड को कोगुलेट करने से बचाता है, ठीक है, तो वो जो एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर्स होता है वो ही को असहंतम बोलते हैं, ठीक है। अब अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग जो था क्वालिटी की बात करें तो देखो श्लोक को याद नहीं रखने, ठीक है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। धौत च विरज्यमान, धौत्य च विरज्यमान होता है, मधुर होता है, मधुर होगा, और मधुर उष्ण लबनम मतलब क्या, स्लाइटली मधुर होगा, उष्ण होगा और साल्टी इन टेस्ट होगा।
स्निग्ध होगा, स्निग्ध मतलब नाइदर हॉट नॉर कोल्ड होगा, ना गर्म होगा ना स्निग्ध। स्निग्ध मतलब क्या होता है कि स्निग्ध मतलब क्या होता है कि वायलीनेस होगा, टच करोगे तो वायलीनेस होगा। अशीतो उष्ण मतलब शीत और ना उष्ण होगा ना शीत होगा, ऐसा पिछले भी आचार्य सुश्रुत ने भी कहा। और गुरु गुण होगा, ठीक है, और इसका स्ट्रेन जो होगा ना क्लॉथ पे नहीं लगेगा। अब इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते, जैसे कभी हाथ कट जाए ना तो उसको मुंह पे लेके रखना तो मीठा लगेगा ना, मीठा लगेगा, थोड़ा सा हल्का सा मीठा लगेगा, हल्का सा साल्टी टेस्ट होगा। और क्या होगा, ना इधर हॉट नॉट कोल्ड, ना गर्म होगा ना ठंडा, हल्का गर्म होगा हल्का ठंडा होगा, ठीक है। और इसके दाग नहीं लगने चाहिए, अच्छा ब्लड का। अब विशुद्ध रक्त धातु का लक्षण है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये श्लोक आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, पीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, जिसका वर्ण कलर और कलर कॉम्प्लेक्सेशन और इंद्रिया जो है ना क्या हो, प्रसन्न हो, ठीक है। इंद्रियम इंद्रिया अर्थानाम, और इंद्रिया जो सेंस ऑर्गन है वो इंद्रिया अर्थानाम छंत वह विहात पक बेगम, मतलब क्या था, जो इसका इंद्रिया का जो अर्थ होता है ना, इंद्रिया अर्थ वो सब क्या होगा, वो सब क्या होगा कि एक्टिव होगा, ठीक है, और प्रसन्न होगा मतलब हैप्पीनेस स्टेज में होगा, ठीक है। सुखान्विता, सुखान्विता मतलब क्या होगा, अच्छे से प्रॉपरली जो होगा ना, सुखान्विता पुष्टि बलोपनम मतलब क्या, प्रॉपर डाइजेशन होगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ होगा पर्सन का, और स्किन वगैरह जो भी सेंस ऑर्गन है वो ग्लो करेगा, सुखान्विता, ठीक है। विशुद्ध रक्तम, विशुद्ध रक्त पुरुष वदन्ति, जो विशुद्ध रक्त वाले पुरुष है ना उसके ये लक्षण हो गया, ठीक है। अब देखो सुखान्विता ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया ये समझ लेते, ठीक है। श्लोक नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये छह लाइन आपको ध्यान में रखना। पहला, चीयरफुल हेल्दी कॉम्प्लेक्सेशन, एनर्जेटिक एक्टिव सेंस ऑर्गन, प्रॉपर इनकालेशन ऑफ सेंस ऑर्गन टुवर्ड देयर सब्जेक्ट, गुड डाइजेशन, अनऑब्स्ट्रक्टेड नेचुरल ओर्ज और हेल्दी नूरिशमेंट ऑफ बॉडी। अंजलि प्रमाण मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक पहला श्लोक याद रखने हैं, अष्टौ अंजलस्य शोणितस्य, ऐसे अंजलि प्रमाण लिखिए, एट अंजलि भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, दो मार्क्स में भी पूछे जाते कई बार, पांच मार्क्स में भी। रक्त धातु का परकर्म जो है जीवनम, ये आचार्य भागवत का श्लोक है जीवनम, ये श्लोक पहले भी याद करा चुका हूँ। तो ये जीवन, जीवन मतलब लाइफ प्रोवाइड करने का है, ठीक है। अब देखिए आप या तो यही श्लोक लिख के चले जाओ या इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करो, ठीक है। जीवनम नाम प्राण धारणम, जीवन जो होता है ना ये प्राण को धारण करता है, ठीक है, लाइफ प्रोवाइड करने का काम करता है ये बॉडी को। रक्त धातु का मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना, ये मेंटेन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करता है, प्राण धारण मतलब लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करता है, कौन, रक्त धातु। रक्त धातु क्या होता है, प्राण को कंडक्ट करता है, रक्त धातु क्या करता है, कंडक्ट करता है प्राण टू एवरी धातु को, ठीक है, एवरी सेल बॉडी को, ठीक है, जितने भी धातु है सबको न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है रस के अलावा। प्राण क्या होता है, इज एन एनर्जी होता है, विदाउट हुज बॉडी विल नॉट फंक्शंस, ठीक है। प्राण जो होता है एक एनर्जी होती है जो फंक्शंस नहीं कर सकता, ठीक है, बॉडी फंक्शन नहीं करेगा उसके बगैर, ठीक है। अब बॉडी जो होता है सर्वाइव विदाउट प्राण और रक्त धातु नहीं कर सकता, बॉडी जो होता है ना बगैर प्राण और रक्त धातु कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हेमरेज या ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो में इफेक्ट करता है लाइफ को, कैसे, देखिए इफेक्ट करता है लाइफ को, जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया वगैरह, तो क्या था ब्रेन, ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट ही काम करना बंद कर देता है। आप देखोगे क्लिनिकल में जब जाओगे पेशेंट्स को देखोगे हॉस्पिटल में तो ऐसा ऑब्जर्व करोगे आप। अब देखिए एक श्लोक ये भी है, ये श्लोक आपको याद रखना है, पहला तो जीवनम श्रेष्ठा कर्म अष्टांग हृदय का, दूसरा ये श्लोक याद करना है, रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जिव्यति च, मतलब रक्त जो होगा ना वर्ण प्रसाद, जो कलर जो होता है ना कलर कॉम्प्लेक्सेशन होता है, वर्ण मतलब कलर होता है, उसको न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। वर्ण मतलब कलर, कलर को क्या करता है वो कॉम्प्लेक्सेशन देता है, प्रसाद मांस वर्ण को प्रसादन करता है मतलब कि उसको कलर कॉम्प्लेक्सेशन देता है, मांस पुष्टि जो मांस धातु होता है उसका पोषण करता है, और जीव्यति च जीवन देने का काम होता है इसका, ठीक है, रक्त धातु का, ठीक है। अब रक्त धातु का जो डिसऑर्डर होगा वो इफेक्ट करेगा न्यूरिशमेंट एंड फंक्शन ऑफ मांस धातु का। अगर मांस धातु का क्षय हो रहा है किसी पेशेंट में तो आपको दो चीज़ सोचना है, रक्त धातु के क्या कंडीशन है, रक्त धातु का प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले। दूसरा चीज जो मांस अग्नि है वो कैसा वर्क कर रहा है वो देखना है आपको, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर नेक्रोसिस ऑफ इन नेक्रोसिस कलर ऑफ स्किन इन पार्टिकुलर रीजन चेंज, स्किन डिजीज जैसे ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा में देखोगे आप पेशेंट को कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पर्श अंजनम सेंसेशन ऑफ टच, देखो प्रॉपर कंडक्शन ऑफ रक्त धातु रिस्पॉन्सिबल होता है नॉलेज ऑफ टच,
टच, जैसे टच करते हैं ना, छूते हैं, तो जो टच का जो सेंसेशन होता है वो ब्लड की वजह से होता है, ठीक है। अगर स्किन प्रॉपरली सप्लाइड होगा रक्त के द्वारा तो प्रॉपर सेंसेशन होगा टच का, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो पार्टिकुलर रीजन इफेक्ट करेगा टच सेंसेशन को। वेरिएशन ऑफ रक्त धातु, रक्त धातु के वेरिएशन की वजह से क्या होगा, टेंडरनेस ऑफ स्किन होगा, ठीक है। कुष्ठ रोग, रक्त विकार, रक्त विकार किसे, रक्त और वात दोष के विशेषण की वजह से आता है, इसके वजह से कुछ टाइम में क्या होता है, लॉस ऑफ टच सेंसेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। रक्त धातु का जो फॉर्मेशन होता है वो वेरियस ऑर्गन इंट्राउटराइन लाइफ, इंट्राउटराइन में रक्त धातु का फॉर्मेशन कौन कौन करता है, देखो ये श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें क्या होता है, रक्त धातु जो होता है ना इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ लीवर स्प्लीन। रक्त धातु के फॉर्मेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, लीवर का, स्प्लीन का, लंग्स का, कोलोन का, किडनी का और हार्ट का, ठीक है, समझ में आ रहा है। रक्त धातु इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर्मेशन में, किसका, फॉर्मेशन ऑफ लीवर स्प्लीन लंग्स कोलोन किडनी और हार्ट, क्लियर। रोल ऑफ रक्त धातु इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन इन इंट्राउटराइन लाइफ, क्लियर। अब इंट्राउटराइन लाइफ में देखो कैसे, बड़ा लॉजिकल थिंग है, देखो पहले रक्त धातु किसका फॉर्मेशन करता है, ये सब का, इसका लीवर स्प्लीन लंग्स कोलोन किडनी और हार्ट, और ये ही लोग, इसमें कोलोन हटा दीजिए, लंग्स हटा दीजिए, तो ये लोग लीवर स्प्लीन और किडनी ये सब क्या करता है, फिर ब्लड का फॉर्मेशन करता है पूरी ज़िंदगी, तो ये कर्ज अदा करता है एक दूसरे का, ठीक है, और कुछ ऑर्गन नहीं करते। रक्त धातु सारता, देखिए धातु सारता की एक अलग टॉपिक है, वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर भी यहाँ समझ आ देता हूँ। कर्ण, अक्षी, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पानी, पाद, तल, नख, ललाट, मेहनम। जो कर्ण होता है, मुख होता है, अक्षी होता है, जिह्वा होता है, कर्ण मतलब क्या, कान हो गया, अक्षी मतलब आँख हो गया, मुख मतलब होठ माउथ हो गया, जिह्वा मतलब ओष्ठ हो गया, जिह्वा लिप्स हो गया, नासा मतलब नोज हो गया, ओष्ठ मतलब लिप्स हो गया, पानी मतलब पैर हो गया, पाद मतलब, पानी मतलब हाथ का हो गया, पाद मतलब पैर हो गया, पाद हो गया, तल, नख, नख मतलब फिन टन ये नेल्स हो गया, नख, ललाट, ललाट मतलब ये जो फेस के फोरहेड का पार्ट होता है वो, मेहनत, वो सब क्या होगा, वो सब का कलर कैसा हो जाएगा, स्निग्ध रक्त, रक्त किस किस लिए स्निग्ध हो जाएगा, और श्रीमद भाजी उष्णो मतलब ग्लोइंग हो जाएगा, रक्तसार नव, रक्तसार पुरुष का ये सब ग्लो करेगा। ससारता, सुख, उधता, मेधा होगा, सुखी होगा, मेधा मतलब गुल ब्रेन अच्छा काम करेगा, मन स्वित्व, मन स्वित्व होगा, सुकुमार होगा, सुकुमार होगा, और अतिवन अतिबलम होगा, ठीक है। अकलेश सहिष्णु, कलेश को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उष्ण सहिष्णुत्व, और अकलेश को, कलेश को बर्दाश्त नहीं करेगा, उष्ण को बर्दाश्त कर पाएगा, च अष्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इंडिविजुअल जो उत्तम रक्त सारता है उसके पास क्या, आइज, एयर, आइज, ओरल कैविटी, टॉन्गी, पाम, सोल, नेल्स, फोरहेड एंड पेनिस, ये सब का कलर क्या होगा, रेड होगा, पहला चीज। दीज ऑर्गन क्या होगा, लुस्टोरियस होगा, ग्लोसी होगा, सच इंडिविजुअल आर वेरी अट्रैक्टिव और हैंडसम पर्सनालिटी होगा, रक्त सारता का, और ये क्या होगा, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा कि मतलब क्या होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा किसको, तो हार्ड वर्क को और हॉट क्लाइमेट को, ठीक है। ये इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस और ब्यूटी होगी इसमें, ठीक है। अब रक्त विकार की बात करें तो रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी, तो ये श्लोक आपको याद रखने, कई बार पूछा गया, रक्त रक्त रक्तांग अक्षिता शिरा पूर्णत्वम च, रक्त की वृद्धि की वजह से क्या होगा, जो पूरे बॉडी का अंग है ना, पार्ट्स है ना, उसमें क्या होगा, रक्त उसमें क्या कलर वृद्धि हो, रक्त का वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, भरा 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 हो जाएगा, अक्षिता शिरा जो होगी ना वो पूर्णत्वम हो जाएगा, रेडनेस ऑफ आई स्किन, ये सब रेड रेड दिखने को मिलेगा, इनगोर्ड ब्लड वेसल्स होने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यू टू ओवर इंडल्जेंस ऑफ वृद्धि किसके कारण, वृद्धि का कारण क्या होगा, देखिए, ड्यू टू ओवर इंडल्जेंस ऑफ ऑयली पंजेंट फूड, ड्यू टू हॉट क्लाइमेट, रक्त धातु इंक्रीज करता है, तो ये पूछेगा रक्त धातु वृद्धि का कारण बताइए, तो ओवर इंडल्जेंट ऑफ ऑयली पंजेंट फूड और ड्यू टू हॉट क्लाइमेट रक्त धातु इंक्रीज करेगा, फॉलोइंग सिम्टम और रक्त धातु देखने को मिलेगा, ठीक है, ये श्लोक याद रखना है, ये सिम्टम लिखना है, ठीक है। रस क्षय का, रक्त क्षय का क्या होगा, रस क्षय, रक्त क्षय के कारण पहले समझिए, कारण क्या होगा, माल न्यूट्रिशंस, इम्प्रॉपर डाइट और डिफिशंस, इसके वजह से क्या होगा, इम्प्रॉपर डाइट, माल न्यूट्रिशन या अदर डिसऑर्डर डिसऑर्डर की वजह से रक्त का क्षय हो जाएगा। इसका सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, रक्त अम्ल
अम्ल शिशिर प्रीति, मतलब खट्टा खाने का मन करेगा और ठंडा ठंडा जिस सीजन होता है ठंडा अच्छा लगेगा उसको, कोल्ड चीज को लाइक करेगा, प्रीति मतलब लाइक करना। सीरा सोथल्य, सीरा जो होगा ना वो सोथल्य हो जाएगा, ठीक है, और रुक्षता हो जाएगी, बॉडी में रुक्षता आ जाएगी, ठीक है, रक्त धातु के क्षय की वजह से। रक्त धातु का क्षय होगा तो बात वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब रक्त धातु के इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरनेव धार्यते तस्माद यतेन संचय रक्त जीव इति स्थिति, ठीक है। इस श्लोक को आप याद नहीं रखना है, ठीक है, इसी रूप से समझ लीजिए। आचार्य सुश्रुत ये कहना चाहते हैं कि रक्त धातु जो रूट ऑफ लिविंग बॉडी होता है, ठीक है, ये मेंटेन करता है लाइफ को, और सो वन शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ रक्त धातु बाई प्रॉपर डाइट एंड गिव नूरिशमेंट टू रक्त एंड प्रॉपर रेजिमेन, ठीक है। यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।